सो हेलो एवरीवन, अगर आपका बेली फैट नहीं कम हो रहा तो अभी मैं आपके साथ डाइट प्लान शेयर करूंगा। डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएंगे और कितनी जल्दी आएंगे, विद इन जस्ट 1 वीक। बस आपने फॉलो करना है। और ये डाइट प्लान की क्या स्पेशलिटी है, एक तो उसमें बहुत ही ज्यादा वैरायटी ऑफ फूड है, दूसरा बहुत ही ज्यादा टेस्टी डिशेज मैंने आपके लिए प्लान की है और बहुत ही कम टाइम में, मतलब आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा डाइट चार्ट प्रिपेयर करने के लिए। बहुत ही इजी डाइट चार्ट बनाया मैंने आपके लिए, टेस्टी भी है, न्यूट्रिशियस भी है और असरदार भी है, मतलब की रिजल्ट भी बहुत ज्यादा आएंगे। और कौन कौन से लोग ये डाइट चार्ट फॉलो कर सकते हैं, जो लोग ये कुछ चीजें रिलेट कर पा रहे हैं, कौन सी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ जिनका मुझे कमेंट आया, उनकी एज है 35 इयर्स और हाइट है उनकी 5 फीट 4 इंच और वेट है उनका 63 केजी और उनका गोल है 58 केजी, मतलब कि उन्होंने जस्ट 5 केजी डाउन करना है, बट मेन गोल है उनका बेली फैट कम करना। और सुबह 6 बजे उठते हैं, रात को 11 बजे सो जाते हैं और प्योर वेजिटेरियन है वो। तो अगर आप ये कुछ चीजें रिलेट कर पा रहे हो तो आप एज इट इज डाइट चार्ट फॉलो कर सकते हो, बट अगर आप डिटेल से प्रॉपरली मैच नहीं कर पा रहे तो आपको डाइट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी कैलोरीज एंड टाइमिंग की, दैट्स इट। सो डाइट चार्ट बनाने से पहले इनका बीएमआर चेक कर लेते हैं। बीएमआर क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिससे आप चेक कर सकते हो किसी पर्सन को कितनी कैलोरीज दे सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी एज कर देते 35 इयर्स, जेंडर इनका फीमेल, हाइट इन 5 फीट 4 इंच मतलब कि 162 सेंटीमीटर, वेट इनका 63 केजी और टोटल कैलोरीज आई हमारे पास 1307। सो कैलोरीज में ज्यादा डेफिसिट नहीं करूंगा, अराउंड 1200 कैलोरीज का ही डाइट चार्ट प्लान करूंगा। तो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले सुबह 6 बजे उठते हैं, उठते सारी मैंने प्लान की इनकी ग्रीन टी, बट ग्रीन टी के अंदर आपने दो चीजें ऐड करनी है, एक तो जिंजर और साथ में हाफ लेमन, ये आपने ऐड करके सुबह पीना है। उसके बाद सुबह 20 मिनट वॉक करनी है आपने, आप वॉक भी कर सकते हो, ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो, जैसा आपकी बॉडी का लेवल है उसके हिसाब से। और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट प्लान किया आपका 7:30, इसमें दो चीजें मैंने ऐड की है, पहली डिश है वेजिटेबल ओट्स और दूसरी है 1 ग्लास मिल्क विद फ्लैक्स सीड्स। अब बात करते हैं वेजिटेबल ओट्स की, आप वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो इसके अंदर, अनियन, टोमेटो, बीनेज, कैप्सिकम, ब्रोकली, कॉर्न्स, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। इसके अंदर आपने 30 ग्राम ओट्स ऐड करने और पानी डाल के अच्छे से बॉइल करके, देन जब ये फ्लफी हो जाए फिर इसे आप खा सकते हो। और साथ में 1 ग्लास मिल्क विद 1 स्पून फ्लैक्स सीड्स, ये आप ओवरनाइट सोक करके भी रख सकते हो। तो आप फ्लैक्स सीड्स को ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के 1 चम्मच दूध के अंदर डाल के पी सकते हो। तो ये था आपका ब्रेकफास्ट। उसके नेक्स्ट मील मैंने प्लान किया 11 o'clock, इसमें दो फ्रूट्स प्लान किए, एक तो गावा दूसरा ऑरेंज, इसके साथ 2 पीसेस ऑफ अंजीर। तो इसे आप सीधा ऐसे भी खा सकते हो या थोड़ी देर पहले इसको पानी के अंदर सोक करके भी खा सकते हो, जैसे आपको सही लगे। मोस्टली लोग सोक करके खाते हैं क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। और उसके बाद मैंने लंच प्लान किया आपका 1:30, वही जो टिपिकल लंच होता है, दूध चपाती साथ में सब्जी सैलेड कर्ड। अगर आपको रोटी खाने का मन नहीं है तो आप उसकी जगह राइस भी ऐड कर सकते हो, बाकी सब सेम। और लंच के बाद मैंने प्लान किया आपका इवनिंग स्नैक अराउंड 5 o'clock, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी मील होगा आपका। वो कैसे आपको बता रहा हूँ, ये होगा आपका पनीर सैलेड, मतलब इसमें आपने 30 ग्राम सोया पनीर ऐड करना है और साथ में कुछ पीनट्स और कुछ किडनी बीन्स आप ओवरनाइट सोक करके रख सकते हो। और इसके अंदर कुछ आपने वेजिटेबल्स ऐड करनी है, ब्रोकली, कैरेट, अनियन, टोमेटो, कॉर्न्स, ये सारी चीजें आप मिक्स करके इसका एक प्रॉपर सैलेड बना सकते हो। आई एम श्योर आपके देख के ही मुंह में पानी आ रहा होगा, जब खाओगे तो कितना ही मजा आएगा आपको। और ये डिशेज से ही आपका बेली फैट कम होगा डेफिनेटली। तो जरूरी नहीं सिर्फ फैट कम करने के लिए आपको बोरिंग डिशेज खानी पड़ेगी, आप टेस्टी डिशेज भी खाओगे उससे जल्दी रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी ज्यादा एंजाइम सीक्रेट कर पाएगी, मतलब अगर आप खुश होकर खाना खा रहे हो तो उससे ज्यादा जल्दी रिजल्ट आएंगे, दैट्स इट। और उसके बाद मैंने प्लान किया आपका डिनर होगा अराउंड 8 o'clock, इसमें कुछ मैंने मिक्स वेजिटेबल्स ऐड किए, सोटे करके आप उसे खा सकते हो, जैसे नॉर्मल हल्का सा ऑयल डाल के उसके अंदर सभी वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, स्पिनच, कैप्सिकम, पीस, अनियन, टोमेटो, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो, इसे थोड़ा सा कुक कर सकते हो और देन इसे सर्व करके खा सकते हो। और इसके साथ मैंने ऐड किया 1 लिज्जत पापड़, आपको पता ही होगा, अगेन इसे आप तवे पे रोस्ट करके खा सकते हो, इसके ऊपर अनियन, टोमेटो और ग्रीन चिली डाल के, देखने में जितना ज्यादा अच्छा है उससे कहीं ज्यादा अच्छा है खाने में। उसके बिफोर बेड 1/2 ग्लास मिल्क और साथ में 12 आलमंड्स आपने सोक करके रख लेने सुबह। और इसके साथ आपने दिन में 3 से 4 लीटर वाटर ऐड करना है, बस आपने ध्यान देना खाना खाने के साथ आपने पानी नहीं पीना, 20 मिनट का आपने वेट करना खाना खाने के बाद, उसके बाद आप पानी पी सकते हो, उससे डाइजेशन और अच्छी हो जाएगी आपकी। और आई एम श्योर ये डाइट फॉलो करने के बाद आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट शो हो जाएंगे, आपकी फैट परसेंटेज डाउन होनी शुरू हो जाएगी, जिस वजह से आपका बेली फैट भी कम हो जाएगा। तो ये था डाइट प्लान मेरे सब्सक्राइबर के लिए, बट अगर आप भी चाहते हो भी आपके गोल के हिसाब से मैं कोई स्पेशल डाइट आपके लिए प्लान करूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने मुझे कमेंट करना है या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। करना क्या है, आपने अपनी एज, हाइट, वेट और गोल मुझे सेंड करना है और साथ में अपना वेकअप टाइम, स्लीप टाइम, वर्क शेड्यूल, ये भी शेयर करना है। जितनी ज्यादा डिटेल शेयर कर पाओगे उतना मेरे लिए इजी होगा डाइट प्लान करना। तो जैसे ये वीडियो मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन करके बनाई और वैसे सेम मैं आपके डाइट प्लान के ऊपर एक्सप्लेन करके प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिससे आप जल्दी समझ पाओगे। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और उनके साथ भी शेयर करना जिनका बेली फैट नहीं कम हो रहा, बहुत टाइम से वो ट्राई कर रहे हैं बट ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर उनको रिजल्ट जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। तो दैट्स इट, ये थी मेरी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।